प्रशासन के द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई व्यापारियों को नागवार गुजरी। नाराज होकर व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए काशीपुर में नगर प्रशासन मुख्य बाजार से किला बाजार और रतन सिनेमा रोड मार्केट से अतिक्रमण हटा रहा था, लेकिन इस कार्रवाई से व्यापारी बुरी तरह भड़क गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। भाजपा के वरिष्ठ नेता दीपक बाली भी व्यापारियों के समर्थन में वहां पहुंच गए, जिसके बाद सभागार में व्यापारियों और प्रशासन के बीच बैठक हुई। हालांकि बैठक में कोई हल नहीं निकल पाया। व्यापार मंडल काशीपुर के अध्यक्ष प्रभात साहिनी का कहना है कि प्रशासन के साथ सहमति बनाने की कोशिश की जा रही है। वहीं भाजपा नेता दीपक बाली का कहना है कि काशीपुर का व्यापारी वर्ग बहुत शांत माना जाता है, उम्मीद करता हूं कि इस मामले में जल्द ही समाधान निकलेगा। की गई है शासन के साथ, सभी व्यापारी भाइयाँ एकत्रित थे, सभी लोगों ने अपनी समस्याएं रखी है प्रशासन के साथ। प्रशासन से कुछ समय मांगा है कि कल बैठ के प्रशासन ने कहा कल बैठ के सारी बातचीत करी जाएगी, जो भी समस्या हमारी है हमारे पॉइंट रखे जाएंगे, जो उसमें सहमति बनेगी वो बैठ के आपस में डिसाइड कर लिया जाएगा और सभी व्यापारी भाइयों को बताया जाएगा। जो व्यापारी भाई है, काशीपुर का व्यापारी बहुत शांत माना जाता है हमेशा से, आपको भी पता है, लेकिन आज जब व्यापारी भाई सड़कों पर उतरे और मुझे भी फोन पहुंचा तो मैंने कारण जानना चाहा तो पता लगा कि नगर निगम द्वारा ये कार्रवाई की गई है। फिर जब अधिकारियों से प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत की तो पता लगा कि माननीय न्यायालय के एक ऑर्डर के अपेक्षित कार्रवाई हो रही है। तो आज फिर व्यापारियों भाइयों के बीच में व्यापार मंडल, व्यापार नेताओं और प्रशासन के हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय मैंने इन सब के साथ बैठकर एक बहुत अच्छे माहौल में आज बातचीत हुई है, जिसमें व्यापारियों की समस्याओं को भी सुना गया है और माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश व्यापारियों के अतिक्रमण को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को दिया गया है उस पर भी वार्ता हुई है और उम्मीद है कि अब इस तरीके की परिस्थिति दोबारा नहीं बनेगी। वही इस पूरे मामले में उप जिलाधिकारी अभय प्रताप सिंह का कहना है कि पहले ही व्यापारियों को कोर्ट के आदेश से अवगत कराते हुए अपना अतिक्रमण स्वयं हटाने को कहा गया था, पर व्यापारियों ने न्यायालय के आदेश की अवहेलना की, जिसके बाद शासन को ये कार्रवाई करना पड़ा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि माननीय उच्च न्यायालय 2017 में पीआईएल डाली गई थी, उसी पीआईएल को लेकर फिर से याचिकाकर्ता के द्वारा जो अंडर पिटीशन डाली गई थी, जो पूर्व में अतिक्रमण था वो हटा नहीं है, उसमें लगातार कार्रवाई चल रही है, लोगों को नोटिस भी जारी किए गए हैं, माननीय उच्च न्यायालय के जो डायरेक्शन है उसी के अनुसार जारी किए गए हैं और लगातार हमारे द्वारा ये अनाउंसमेंट भी कराया जाता है और चिन्हीकरण भी किया गया है, लोगों को व्यक्तिगत रूप से दुकानों को भी जाके बताया गया कि आप अतिक्रमण ना करें, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसका पालन करें, लेकिन लोगों के द्वारा जो है लगातार माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है उसकी अवहेलना की जा रही थी। अतिक्रमण जो जहाँ तक उनको सामान रखना है उससे आगे वो रखते हैं, इसी को लेके आज अभियान चलाया गया जिसमें नगर निगम की टीम, राजस्व की टीम, पुलिस की टीम संयुक्त रूप से अभियान चलाया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।